सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉलिसी बाजार, सिगाची इंडस्ट्रीज, एसजेएस एंटरप्राइजेस, नाइका लिमिटेड एंड फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के आईपीओस का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 3 नवंबर 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी बाजार के आईपीओ की। देखिए जो आईपीओ है 1 से 3 नवंबर के बीच ओपन है अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 940 से 980 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 980 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 15 शेयर्स होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 10% का रिजर्वेशन आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन प्रीमियम करीब 100 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 980 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 100 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 1080 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम करीब 300 रुपए के आसपास हुआ करता था और वहां से करीब 200 रुपए की गिरावट के साथ अब यह प्रीमियम 100 रुपए पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए कल के दिन तो इसका प्रीमियम 80-90 रुपए के आसपास भी पहुंच गया था, यानी प्रीमियम काफी ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी पिछले कुछ सालों में लॉस में बनी हुई है, हालांकि कंपनी की जो रेपुटेशन है मार्केट में काफी अच्छी है। तो यहां पर जो है कम लिस्टिंग गेन के लिए आपको अप्लाई करना है या फिर लंबी अवधि के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसमें ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपको 30-40-50% या 100% तक लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, तब यह आईपीओ आपके लिए नहीं है। यहां पर हो सकता है 5-10% ही आपको गेन मिले, लेकिन लिस्टिंग के बाद अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो काफी बढ़िया रिटर्न यहां पर आपको मिलने की संभावना है। वहीं अगर नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो वह है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ, और यह आईपीओ भी 1 से 3 नवंबर के बीच ओपन है अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 161 से 163 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 163 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 90 शेयर होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए ये जो आईपीओ है काफी छोटा है, इसका इशू साइज 125 करोड़ का ही है, तो यहां पर अलॉटमेंट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आपको आपके पास जितने भी डीमैट अकाउंट है, आपको हर डीमेट अकाउंट से कम एक एक लॉट इसमें अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक लॉट भी मिल गया तो भी आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी काफी ज्यादा कमाई हो जाएगी। वहीं इसके प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम 200 रुपए के आसपास आज के दिन चल रहा है, और देखिए 163 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 200 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 363 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अपने इशू प्राइस से भी ज्यादा ये प्रीमियम आपको दे रहा है और यहां पर लिस्टिंग के बाद भी काफी बढ़िया तेजी बन सकती है। तो यहां पर निश्चित रूप से यह आईपीओ काफी बेहतरीन है। शुरू से ही आपको बताया जा रहा है कि अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए आपको अप्लाई करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी इस आईपीओ को रख सकते हैं, आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। चुपचाप बैठे रहिए और यहां पर आप देखेंगे कि कुछ सालों में यह शेयर और भी ज्यादा गेन आपको देता हुआ नजर आ सकता है। वहीं नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो वह है एसजेएस एंटरप्राइजेस लिमिटेड का आईपीओ, और यह आईपीओ भी 1 से 3 नवंबर के बीच ओपन है अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 531 से 542 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 542 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 27 शेयर्स होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन प्रीमियम 20 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 542 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 20 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 562 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि प्रीमियम कुछ खास नहीं है। और शुरू से ही आपको बताया जा रहा है कि इस आईपीओ में लंबी अवधि के
लिए आपको संभावनाएं ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग गेन के लिए कोई आईपीओ देख रहे हैं तो ये आईपीओ आपके लिए नहीं है। ये आईपीओ डिस्काउंट प्राइस पर भी ओपन हो सकता है और आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो लिस्टिंग के बाद और भी बढ़िया मौका आपके लिए बन सकता है। तो इस आईपीओ में फिलहाल के लिए अप्लाई ना करें और इस आईपीओ से दूर रहें। और भी अच्छे आईपीओज हैं, उनमें आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले प्रोवाइड हो जाती हैं। वहीं नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो वो है नाइका लिमिटेड का आईपीओ, और ये आईपीओ 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 1085 से 1125 रुपये के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 1125 रुपये में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 12 शेयर्स थे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो 10% का रिजर्वेशन आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन प्रीमियम करीब 630 से 640 रुपए के बीच चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 1125 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 640 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 1765 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसका जो प्रीमियम है ये एक छोटी सी रेंज यानी 570 रुपए के नीचे की रेंज और ऊपर 750 रुपए की रेंज के बीच में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और ये प्रीमियम अगर इसको काउंट करें तो ये रेंज 50% टू 60% के आसपास ही बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि आप यहां पर आश्वस्त रहिए, यहां पर आपको 50 से 60% के बीच प्रीमियम मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं नजर आती हैं। और ये आईपीओ भी काफी अच्छा है। कंपनी की बात करें तो फैशन प्रोडक्ट या ब्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं उनको सेल करने का काम करते हैं, ई कॉमर्स टाइप ये कंपनी है, तो काफी बढ़िया है। और आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही अप्लाई करने की सलाह दी गई थी। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट आईपीओ की तो वो है फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का आईपीओ, और ये आईपीओ 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 560 से 577 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 577 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 25 शेयर्स थे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 10% का रिजर्वेशन भी आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आया था। अब देखिए, प्रीमियम की बात करें तो शुरू से ही इसका प्रीमियम अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन मैं हमेशा आपको बताता हूं, कल भी मैंने बताया था कि भाई इसमें आपको शॉर्ट टर्म में अप्लाई नहीं करना था, यानी कि अगर आप इसमें लिस्टिंग गेन चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है आईपीओ, और भी आईपीओ से उनमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल और केवल आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना था। और मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद ये आपको और भी ज़्यादा कम प्राइस पर मिले, तो इस आईपीओ में अभी कुछ भी ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। तो निश्चित रूप से जब ये लिस्ट हो जाए तब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आपने कौन कौन से आईपीओ में अप्लाई किया है कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।